नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। कोरोना वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निकल गई। इस बीच एक रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपना आतंक फैलाया है, शायद ही कभी दुनिया कोरोना के इस प्रकोप को भूल पाए। इस खतरनाक वायरस की शुरुआत को लेकर अभी भी विवाद है। दुनिया कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मान रही है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वुहान की जिस लैब में कोरोना वायरस की शुरुआत बताई जाती है, वहां के 3 कर्मचारी को तब अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब दुनिया को कोरोना के बारे में पता नहीं था। अमेरिकी अखबार एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता संक्रमित हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। इन शोधकर्ताओं में कोरोना संक्रमण के लक्षण थे। बता दें कि नवंबर 2019 के बाद ही दिसंबर जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता लगा था। बता दें कि WHO की एक टीम कोरोना वायरस के तथ्यों की जाँच के लिए वुहान भी गई थी, लेकिन चीन ने कुछ क्षेत्रों में जांच नहीं करने दी या फिर सभी सबूत मिटा दिए। इस जांच में WHO के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया, जिसके चलते ये पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से फैला है। वहीं अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के फैलने को लेकर खुलासा किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। अमेरिकी अखबार ने यह खुलासा ऐसे वक्त किया है जब दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर के बीच जिनेवा में आज से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अहम बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक 1 जून तक चलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था की ये बैठक कोविड संकट खत्म करने के उपायों और भविष्य में ऐसी किसी महामारी के रोकथाम उपायों पर चर्चा करेगी। इस बैठक में दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल, UN पर्यवेक्षक, सहयोगी सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कोरोना वायरस को लेकर हुए एक नए शोध के मुताबिक कोरोना को चीनी वैज्ञानिकों ने एक लैब में बनाया था, जहां से ये लीक हो गया था। शोध में बताया गया कि अब लैब से निकलकर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और तबाही मचा रहा है। साइंस रिसर्च मैगजीन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में छपे एक लेख में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेखक निकोलस वेड ने दावा किया कि कोरोना वायरस को चीन के वुहान स्थित BSL-2 लैब में बनाया गया है, जहां से ये पूरी दुनिया में लीक हुआ। निकोलस वेड ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड मुहैया कराने वाली अमेरिकी संस्था इको हेल्थ अलायंस ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर डासजेक के इंटरव्यू को अपने लेख का आधार बनाया है। कोरोना महामारी को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए चीन पूरी दुनिया की आलोचना झेल रहा है, लेकिन चीन अपनी आलोचना से पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।